hello everyone we have already discussed what is democracy and what are the features of democracy today we are going to discuss what are the arguments given against democracy and these arguments we will be discussing on the basis of the definition we have discussed and on the basis of the features of democracy वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो वी नीड टू कीप द डेफिनेशन ऑफ डिमोक्रेसी एंड द फ्यूचर्स ऑफ डिमोक्रेसी इन माइंड वाइल डिस्कसिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स गिवेन फ्रीक्वेंटली अगेंस्ट डिमोक्रेसी सो वी स्टार्ट शुरू करते हैं आज हम लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको हम लोग अच्छे से समझ पाएं पहला आर्गुमेंट, वेरी फर्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी अगर डेमोक्रेसी में रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते हैं तो इसका मतलब है कि लगातार कई इलेक्शंस एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है और एक ही व्यक्ति लीडर भी बन सकता है गवर्नमेंट का लेकिन यह भी तो संभव है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी कई बार इलेक्शन जीते लेकिन हर बार लीडर बदल जाए ऐसा भी देखा जाता है दूसरी बात यह है कि अगर रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस होते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये चांस होता है मेजॉरिटी पाने का अपने आप को प्रूफ करने का और पावर में आने का और जब वो पावर में आएंगे तो उनके लीडर्स कौन होंगे ये कोई नहीं जानता और जब लीडर्स बदलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज बदल जाएंगी पावर में जो आती है वो तो डेफिनेटली इंस्टेबिलिटी तो होगी फ्रीक्वेंट इलेक्शंस फ्रीक्वेंट यू नो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टू पावर दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू लीड टू इनस्टेबिलिटी इससे पक्का अस्थायित्व आएगा तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। जो दूसरा आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिया जाता है दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले एंड देर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरालिटी अब इस पॉइंट को अगर हम लोग ठीक से पढ़े, इफ वी गो थ्रू दिस आर्ग्यूमेंट वेरी केयरफुली दिस आर्ग्यूमेंट इट्स सेल्फ गिव्स इट्स एक्सप्लेनेशन ओके डिमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कैसा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इस बात का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू विन मेजॉरिटी फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से हर पोलिटिकल पार्टी का हर कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है उसका भी यही हाल है लीडर्स आर कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू विन नॉट टू लूज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यह बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है यहां पर ठीक है एंड वेन यू आर कंटेस्टिंग टू विन और जब आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं देन यू विल यूज ऑल मीन्स टू विन एट एनी कॉस्ट ओके सो अगर ऐसी बात है तो इसमें मोरालिटी तो नहीं रहेगी वेन यू वॉन्ट टू विन एट एनी कॉस्ट ओके एट एनी कॉस्ट इट मीन्स देर इज नो मोरालिटी ओके योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट मोरालिटी योर ऑब्जेक्टिव इज टू विन द सीट to win the election. argument. the third argument given is so many people have to be consulted in a democracy that leads to delays. when you have to decide on your own what to do, what not to do, you'll be deciding very quickly. it means when one person has to decide, what is to be done, what is not to be done, then this decision making process is very easy, very quick, also. But democracy is not like that. In democracy, before taking any decision, before taking any final decision, okay, so many people are to be consulted, so many people are to be consulted, and they are consulted. More than once, then the final decision is taken on the basis of majority. So, in democracy, before taking any decision, so many people are consulted, कई लोगों से संपर्क करना होता है सलाह लेनी होती है और तब जाकर के कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है इसलिए डिसीजन लेने में काफी लेट होता है ठीक है यही अगर कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती तो उसमें डिसीजन एक व्यक्ति को लेना है हां इसको करना है नहीं करना है दिस इज टू बी डन दिस इज नॉट टू बी डन इन अ क्विक फ्लैश डिसीजन विल बी टेकिंग सो आई होप दिस आर्गूमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्गूमेंट इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजन द लीडर्स

तो डिसीजन अक्सर गलत भी होते हैं जो लीडर्स इन पॉलिसीज को बनाने में लगे हैं वो पब्लिक को रिप्रेजेंट तो करते हैं लेकिन पब्लिक के प्रॉब्लम्स को कई बार समझ नहीं पाते पब्लिक के एस्पिरेशंस को ड्रीम्स को ऑब्जेक्टिव्स को डिमांड्स को प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते हैं और जब समझ नहीं पाते हैं तो डिसीजन गलत हो जाता है उनका सो दिस इज आवर another argument अगेंस्ट democracy. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द पॉइंट इज democracy लीड्स टू करप्शन as इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल competition. एवरी कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन वांट्स टू विन इलेक्शन हर व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो चाहता है कि हम चुनाव जीते हारने के लिए कोई चुनाव लड़ता है ऐसा तो नहीं है इसका मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन काफ़ी मजबूत होता है काफ़ी इंटेंस होता है कई बार तो ये रिवेलरी में भी बदल जाता है ठीक है कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में वो काफ़ी टफ राइवल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करने लगते हैं एक दूसरे के बारे में बहुत पार्लियामेंट्री बहुत डिसिप्लिनड कमेंट्स नहीं करते हैं मनी पावर का यूज़ करते हैं मसल पावर का यूज़ करते हैं कई बार तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी का भी मिसयूज़ हुआ ऐसा लोग आरोप लगाते हैं एलिगेशन लगाते हैं न्यूज़पेपर्स में टेलीविजन चैनल्स पे हम लोग ऐसा सुनते भी हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्टोरल कंपटीशन के चलते हर कैंडिडेट का एक ही एस्पिरेशन होता है बाय दिस वे और दैट वे आई हैव टू विन इलेक्शन और जब ऐसा ऑब्जेक्टिव बन जाए तो फिर करप्शन ही होगा क्योंकि वो मनी कहां से आएगा वो मसल पावर का यूज ठीक है वो कास्ट के नाम पे, कम्युनलिज्म के नाम पे, लिंगुजम के नाम पे, रीजनलिज्म के नाम पे वोटर्स को मोटिवेट करना कि वो उस कैंडिडेट के लिए वोट दे एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रोपगेट करना मिसकंसेप्शंस फैलाना ये सब करप्शन ही तो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं कैंडिडेट्स उनका उनका ऑब्जेक्टिव तो केवल इलेक्शन लड़ना होता है नहीं इलेक्शन जीतना होता है ठीक है और इसके लिए वो कोई भी तरीके अपनाने को तैयार रहते हैं एंड इट लीड्स टू करप्शन ठीक है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया अब हम आते हैं लास्ट आर्गुमेंट पे ये लास्ट आर्गुमेंट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ Ki there is a section of society, there is a section of population in our country which does not know the basics of politics, the basics of elections, the importance of their votes, okay? On what ground they should vote, on what ground they should not vote, what kind of candidates should be voted, what kind of candidates should be rejected okay they do not know they vote in the name of caste they vote in the name of creed they vote in the name of language region religion so many things sometimes they vote for nothing okay they do not take elections they do not take their right to vote seriously okay and this creates problems and uh, the process is what? The principle is what? The principle is one person, one vote, and one value. Every citizen has one value. Whether you understand politics or you don't understand politics, your vote has one value. Okay? So, the people who are influenced by caste system, the people who are influenced by creed, language, region, religion, and many other things. they do not vote for democracy they do not vote for the nation they do not vote for you know uh, the democratic success they do not vote for the democratic success of the country ठीक है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सोसाइटी uh, का हमारा हिस्सा है हमारे देश के पॉपुलेशन का एक हिस्सा ऐसा है जिसको राजनीति की समझ उतनी नहीं है जिसको अपने वोट वैल्यू का इंपॉर्टेंस अच्छे से नहीं मालूम है और वो किसी न किसी इज्म के इन्फ्लुएंस में आके अपना वोट डालते हैं और इसलिए आ, देश का भला नहीं हो पाता डेमोक्रेसी का भला नहीं हो पाता ठीक है तो ये रहा हमारा आर्गुमेंट नंबर सिक्स उम्मीद है आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा अब अब मैं आप लोगों के सामने एक बार ये सभी आर्गूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दिए जाते हैं रख रहा हूं वन बाय वन ठीक है तो पहला आर्गूमेंट जो दिया जाता है वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी एंड इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी लीडर्स बार, बार बार बदलते रहते हैं और इससे अस्थायित्व इनस्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में दूसरा था कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी ठीक है यह पावर प्ले के बारे में है पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में होता है इसलिए इसमें मोरालिटी का कोई प्लेस नहीं होता तीसरा आर्गूमेंट हम लोगों ने दिया था कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डिमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज डिमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले कई इंस्टीट्यूशंस कई पोस्ट्स uh, को कंसल्ट करना होता है और इस कंसल्टेशन में बहुत समय निकल जाता है इसलिए अक्सर डिसीजंस जो होते हैं वो डिलेड होते हैं व्हाई बिकॉज सो मैनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस आर टू बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन सो डिसीजंस आर ऑफ एंड वेरी डिलेड ये था हमारा तीसरा आर्गुमेंट अब चौथे आर्गुमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस लोगों को सही अर्थों में जो लीडर्स को हम चुनते हैं उन लीडर्स को कई बार हमारे एस्पिरेशंस के बारे में मालूम नहीं होता हमारे डिमांड्स के हमारे नीड्स के बारे में मालूम नहीं होता है और इसलिए जब हमारे एस्पिरेशन के बारे में उन्हें मालूम नहीं है तो वो जो डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा पांचवा जो हम लोगों ने आर्गुमेंट दिया था वो था डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ट ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जहाँ भी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होगा जहाँ भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि किसी तरह से इलेक्शन जीतना है तो वहां पर करप्शन आएगा मनी पावर मसल पावर और बाकी चीजों का मिस यूज इवन गवर्नमेंट मिशीनरी का मिसयूज भी बढ़ेगा पब्लिक ऑफिस का पब्लिक ऑफिस का प्राइवेट प्रॉफिट के लिए यूज बढ़ेगा जो कि करप्शन है हम लोगों ने लास्ट यानी सिक्स जो आर्गुमेंट दिया था वो ये था कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम साधारण लोगों को आम जनता को कई बार कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है वो समझ नहीं पाते और कास्ट के नाम पे क्रीड के नाम पे लैंग्वेज के नाम पे रीजन के नाम पर रिलीजन के नाम पे वोट कर देते हैं वो डेमोक्रेसी की नहीं सोचते वो देश की सरकार के बारे में नहीं सोचते वो आने वाले पाँच साल का जो उनका भविष्य है उसके बारे में नहीं सोचते और इन्फ्लुएंस्ड होकर के कई बार तो मनी और मसल पावर के इन्फ्लुएंस में भी आके वो वोट दे देते हैं इसका मतलब कि यह भी एक आर्गुमेंट है आई होप द आर्गुमेंट्स आर क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू वी हैव टू गिव दिस आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी and we have to give our own logic our own examples if required to prove that in the next video lecture we will be discussing about the arguments for democracy